मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सनी देओल की वो 5 फिल्में। उन फिल्मों ने ऐसा गदर मचाया कि पड़ोसी मुल्क में बैन हो गए। सनी देओल ने कुछ ऐसी फिल्में की और कुछ ऐसा सब्जेक्ट चुना जिसने बॉक्स ऑफिस में तो कहर मचाया, लेकिन पड़ोसी मुल्क में सनी देओल को बैन कर दिया गया और उनकी फिल्मों को भी बैन कर दिया गया। वैसे तो हर किसी के मुंह में तारा सिंह का नाम जुबान पे चढ़ा है जब से गदर 2 ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, लेकिन आप जानते हैं गदर 2 से भी पहले सनी देओल की कुछ फिल्में गदर मचा चुकी हैं। ऐसी तहलका कि पड़ोसी मुल्क को रास नहीं आई और उन्होंने सनी देओल को ही बैन कर दिया। मगर बॉक्स ऑफिस में इन फिल्मों ने इंडिया में तो एक तूफान सा ला दिया था। पहले नंबर पर फिल्म है फिल्म बॉर्डर, जो 1997 में आई थी। इस फिल्म में सनी देओल की एक छोटी सी पंजाब रेजिमेंट थी। इस फिल्म में सनी देओल के साथ जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना ने काम किया था। इस फिल्म ने उस समय रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। दूसरे नंबर पे आती है गदर एक प्रेम कथा। इस फिल्म ने तूफानी कमाई की थी और ऐसी कमाई की कि हर किसी को हैरान कर दिया। इस फिल्म में सनी देओल बिना पासपोर्ट के पड़ोसी मुल्क में अपनी बीवी को लेने के लिए चले जाते हैं। इस फिल्म में अमरीश पुरी ने अशरफ अली का किरदार किया था, जो कि एक यादगार किरदार बनकर रह गया। आज भी लोग इस किरदार को नहीं भूले। फिल्म में अमरीश पुरी और सनी देओल की बढ़िया डायलॉग डिलीवरी थी और फिल्म में अच्छे गाने होने के कारण ये फिल्म उस समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। तीसरे नंबर पे आती है फिल्म इंडियन। इस फिल्म में सनी देओल ने पुलिस वाले का किरदार अदा किया था। इस फिल्म में सनी देओल के साथ थे डैनी, राज बब्बर, ओम पुरी, मुकेश ऋषि आदि। इस फिल्म में सनी देओल देशद्रोहियों के साथ ही नहीं, पड़ोसी मुल्क के आतंकवादियों के साथ भी लड़े थे और उनकी हालत खराब भी कर देते हैं। चौथे नंबर पे फिल्म आती है माँ तुझे सलाम। 2002 में आई ये फिल्म में मुख्य किरदार में थे सनी देओल, अरबाज खान आदि। इस फिल्म में सनी देओल ने मिलिट्री ऑफिसर का किरदार अदा किया था और इस फिल्म में पड़ोसी देश के उग्रवादियों के खिलाफ भी ये लड़ते हैं और विजय हासिल करते हैं। मात्र 10 करोड़ की बनी इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 25 करोड़ कमाए थे। और पांचवी फिल्म थी द हीरो। इस फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति चिंटा, प्रियंका चोपड़ा और अमरीश पुरी ने काम किया था। फिल्म के डायरेक्टर थे सनी देओल के फेवरेट डायरेक्टर अनिल शर्मा, जिन्होंने गदर एक प्रेम कथा और गदर 2 फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में सनी देओल ने एक जासूस का रोल निभाया था और बड़ी बखूबी से निभाया था। सनी देओल के जासूस के रोल को इस तरह से दिखाया गया था कि कैसे वो पड़ोसी मुल्क के मंसूबों को ढेर कर देते हैं। कुछ दृश्य इतनी अच्छी तरह से फरमाए गए थे जिसको देखकर लोग सिनेमाघरों में ही नारे लगाते थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। दोस्तों, आपने इन पांचों फिल्मों में से कौन सी फिल्म देखी है? आपको कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वंदे वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम।